बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। CAA के विरोध में प्रदेश भर में हुए व्यापक हिंसा की परतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। यह भी सामने आने लगा है कि दंगाइयों ने किस कदर उत्पात मचाया और सार्वजनिक व सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। दुस्साहस की यह प्रकाष्ठा ही कही जाएगी कि पुलिस के 40 जवानों को एक घर में कैद कर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। यदि ऐसा हो जाता तो यह सोचकर दिल कांप उठता है। साथ ही 20 दिसंबर की यह काली रात इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज की जाती है। पुलिस के इन जवानों को कैद से मुक्त कराने की वीडियो अब सामने आ रही है। इस उपद्रव में शामिल लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्पष्ट कर चुके हैं कि दंगे में हुए नुकसान की भरपाई इन दंगाइयों से ही की जाएगी। 20 दिसंबर का वह दिन सुबह से ही तनाव में नजर आने लगा था। पुलिस प्रशासन ने एहतियातन कई मुस्लिम नेताओं के बयान जारी कराए थे। इनमें इन लोगों ने सभी से अपील की थी कि 20 दिसंबर को शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन सुबह से ही उन मुस्लिम बाहुल्य बाजारों को देखकर सहज अंदाजा लगाया जा रहा था कि कुछ होगा जरूर। जो बाजार सुबह से ही खुले नहीं थे, दोपहर जुम्मे की नमाज हुई और इसके बाद बवाल शुरू हो गया। गनीमत यह रही कि यह बवाल कोतवाली, लिसाड़ी गेट, तहली गेट और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्रों तक ही सिमटा रहा। सर्वाधिक बवाल हापुड़ रोड पर हुआ। यहां दंगाइयों ने पुलिस चौकी को भी आग के हवाले कर दिया। बाकी जगह वाहनों को क्षतिग्रस्त कर उनमें आग लगा दी गई। इसी इलाके में दंगाइयों ने डिवाइडर की ग्रिल उखाड़ ली और पथराव किया। मेरठ शहर में दंगे कई मर्तबा हुए, लेकिन संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों ही तरफ से गोलीबारी की आवाज दूर तलक सुनाई दे रही थी। यही कारण रहा कि मेरठ में सर्वाधिक 6 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। पुलिस का कहना है कि ये गोली उपद्रवियों को खुद की ही लगी है। इस दौरान हापुड़ रोड पर ही पुलिस के ताजा तरीन 40 रंगरूटों को, जिन्हें अभी इसका अनुभव भी नहीं था, भीड़ ने बंधक बना लिया और एक शटर में बंद कर दिया। भीड़ में शामिल दंगाइयों ने इन्हें जिंदा जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन इन रंगरूटों के साथ ही एक संवाददाता भी शटर में बंद रह गया, जिसने मोबाइल से सभी के बंधक बनाए जाने की जानकारी बाहर दी। और इस जानकारी के बाद ही भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को मुक्त कराया। आइए देखते हैं वह वीडियो जिसमें इन लोगों को मुक्त कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि 20 दिसंबर को हुए उपद्रव में उन लोगों को बड़ी तेजी से चिन्हित किया जा रहा है जो इस हिंसक वारदातों के पीछे थे। अब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी शुरू की जाएगी। पुलिस ने बड़ी संख्या में इन दंगाइयों के फोटो पोस्टर के रूप में जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। इसका असर यह भी हुआ है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए इन दंगाइयों में से कई ने अपने हेयर स्टाइल बदल लिए हैं। कुछ गंजे हो गए तो कुछ जमात अथवा अन्य जिलों में जाकर छिप गए हैं। इन लोगों की धरपकड़ की भी तैयारी तेज हो गई है। आज इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।